हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उत्तराखंड जो प्रवक्ता का जो पेपर हुआ था इसके आंसर की आ गई है, और कई सेट में इसके आंसर में यहाँ पे गलतियाँ पाई गई हैं, तो इसके लिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊँगा कि आज आपको कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये मेरे पास हिंदी का सेट बी है, और इसके इसका जो सेट बी का जो 89 क्वेश्चन था इसमें गलतियाँ थी, क्योंकि जो आयोग ने यहाँ पर आंसर दिया था उसके सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास हिंदी का क्वेश्चन है, और अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर 89 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर, तो फ्रेंड्स इसमें जो 89 नंबर का जो प्रश्न आया था, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें दिया गया कि भक्ति भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है। तो यहाँ पे स्वर्ण युग दिया गया है, यह कथन किसका है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आयोग ने आंसर दिया है इसका आंसर दिया है बी, जॉर्ज गियर्सन, जबकि इसका यहाँ पर कोई भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखाया था उसका प्रूफ आपको दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आयोग ने 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, तो आपको मैं आंसर की दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर, ये मेरे पास आंसर की है सेट बी की, और इसमें अगर हम 89 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो यहाँ पे जो 89 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर दिया गया है बी, यानी इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है यहाँ पे जॉर्ज गियर्सन को, जबकि इसका जो सही आंसर है वो है श्याम सुंदर दास। तो क्योंकि जो स्वर्ण जो युग है वो स्वर्ण युग जो कहा था वो यहाँ पर श्याम सुंदर दास ने कहा था, और जो जॉर्ज है यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण काल कहा था। तो चलिए मैं अब इसका प्रूफ दिखाता हूँ आपको। मेरे पास यहाँ पे हिंदी की बुक भी है, इसके साथ साथ विकिपीडिया पर भी है, और भी अन्य बुक हैं जहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा। तो यहाँ पर देखें अगर आप, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, जॉर्ज गियर्सन, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो यहाँ पर अगर हम बात करें स्वर्ण युग की, तो जो स्वर्ण युग कहा था ये कहा था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, और इसका सही आंसर यहाँ पर सी है, लेकिन जो आयोग की तरफ से जो आंसर आया है उसमें बताया गया है जॉर्ज गियर्सन को, तो इसलिए ये यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल गलत है। और जो आयोग की तरफ से यहाँ पे आंसर दिए गए थे उसमें श्याम सुंदर दास का यहाँ पे नाम नहीं था, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाएंगे, और इसमें आप सभी को दो नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लेक्चर में जो जितने भी क्वेश्चन थे सभी के सभी दो मार्क्स के थे, तो आपके लिए यहाँ पर एक एक मार्क्स की बहुत वैल्यू है, तो इसमें आप सभी को दो मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस ये तो हो गया हमारे जो हिंदी की बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इसका आंसर की देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं इसका आंसर, ये देखिए ये यहाँ पे फोर्थ का यहाँ पर अगर आप देखें श्याम सुंदर दास, अब तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। तो जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो यहाँ पर स्वर्ण युग कहा था ये कहा था किसने, स्वर्ण युग जो कहा था वो कहा था यहाँ पे श्याम सुंदर दास ने, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। अब देखिए अगर आप इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे भक्ति काल अगर आप गूगल में टाइप करते हैं तो यहाँ पर भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर उसकी भी पिक यहाँ पर ली है, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे गूगल में जाकर आप यहाँ पर हिंदी काल टाइप करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्ण काल कहा था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्ण काल कहा था, लेकिन एग्जाम में स्वर्ण युग पूछा गया था, तो स्वर्ण युग जो कहा है ये कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। तो इसलिए जो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपको दो जगह दिखा दिया, एक तो हिंदी के बुक में इसका आंसर दिखा दिया, साथ ही हमारे पास इसका प्रूफ है और यह है विकिपीडिया में, तो मैंने आपको यहाँ पर भी इसका प्रूफ दिखा दिया। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि जो आयोग की तरफ से जो आंसर आया था उसमें श्याम सुंदर दास का नाम था ही नहीं। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भक्ति काल हिंदी काव्य का सर्व स्वर्ण युग है, यह कथन किसका है? तो देखिए इसमें यहाँ पे श्याम सुंदर दास का नाम है ही नहीं, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल दिया गया है, जॉर्ज गियर्सन दिया गया है, मिश्र बंधु दिया गया और शिव सिंह सेंगर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर श्याम सुंदर दास, लेकिन आयोग ने यहाँ पर जॉर्ज गियर्सन दिया गया है, जबकि जॉर्ज गियर्सन ने यहाँ पर स्वर्ण युग नहीं कहा था, जबकि जॉर्ज गियर्सन ने यहाँ पर स्वर्ण काल कहा था। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आप सभी को आंसर मिलेंगे। अब मैं
आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे गूगल में जाकर के यूके पीएससी लेक्चरर यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप इसको टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे पहली साइट यहाँ पे खुल जाती है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पी की। आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल साइट खुल जाती है और यहाँ पर दिया गया ऑब्जेक्शन फॉर्म दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहला हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उत्तर कुंजिका के विषय में यहाँ पे विज्ञप्ति। तो आपको इससे थोड़ा पता लग जाएगा कि कब तक इसका हुआ है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसको क्लिक करके थोड़ा डाउनलोड कर लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। तो आपको ऑब्जेक्शन की लगाने से पहले इसको ज़रूर पढ़ लेना है, इस विज्ञप्ति को। कि देखिए यहाँ पे दिया गया कि यूके पीएससी ने यहाँ पर आंसर की जारी कर दी गई है। और यहाँ पे दिया गया कि दिनांक 4 जनवरी 2019 से 13 जनवरी 2019 तक आपको दिया गया है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी, अगर आपको किसी को प्रश्न में लगता है कि कोई गलती है तो आप इसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको जो आपत्ति दर्ज करनी है वो केवल ईमेल आईडी जो कि दिया गया है यहाँ पर यूके पीएससी आंसर की @gmail.com, इसी के माध्यम से करना है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ भी देना पड़ेगा इनको। तो अगर आपके पास बिना साक्ष्य के अगर यहाँ पे दिया गया कि आपत्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो आपको साक्ष्य भी यहाँ पर देना है। और केवल आपको यहाँ पे ईमेल के द्वारा ही यहाँ पर करना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे दिया गया कि इस संबंध में ईमेल के अतिरिक्त डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आपत्ति किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी। तो केवल आपको क्या करना है कि जो यूके पीएससी आंसर की @gmail.com है, इसी पर आपको आपत्ति करनी है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं दिया गया, बस 2 मिनट का काम है। आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको जो लगता है, एक फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, इसको फिलअप करना है। और आपको अपने बुक की या विकिपीडिया जहाँ पे भी अगर आपको आंसर मिलता है तो उसकी फ़ोटो खींच करके और डायरेक्ट आपको मेल कर देना है। बस 2 मिनट का काम है। और आप अपने क्वेश्चन पर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे मेन साइट पे आ गया हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे जहाँ पे ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये यहाँ पे आंसर की हो गई और यहाँ पे हमने विज्ञप्ति भी पढ़ ली। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे दिया गया ऑब्जेक्शन फॉर्मेट। अगर गौर से आप देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन फॉर्मेट दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं, इस ऑब्जेक्शन फॉर्मेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑब्जेक्शन फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक ऑब्जेक्शन फॉर्मेट यहाँ पे खुल जाएगा। देखिए ये ऑब्जेक्शन फॉर्मेट है, इसके लिए आपके मोबाइल या लैपटॉप में एक्सेल फॉर्मेट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फॉर्मेट वहीं पर ओपन होगा और जगह ओपन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने डाउनलोड कर लिया। मैं आपको ये ऑब्जेक्शन फॉर्मेट ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन फॉर्मेट यहाँ पे लेक्चर फर्स्ट पेज लिखा गया है, ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करके तो क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपके मोबाइल में एक्सेल फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये फॉर्मेट खुलेगा। तो देखिए इस प्रकार से ये फॉर्मेट खुल जाता है। तो इसमें देखिए आपको करना क्या क्या है। तो इसमें आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर टाइप करना है, यहाँ पर फादर नेम टाइप करना है, नेम ऑफ सब्जेक्ट जिससे अगर हमने हिंदी का लगाना तो हिंदी का यहाँ पे कर देना है। बुकलेट कौन सी थी, माना कि मेरे पास बुकलेट यहाँ पे बी थी, तो मैं यहाँ पे बुकलेट बी ले दूँगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए इधर लिखना आपको कैंडिडेट का नाम और साथ में डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर जिस पर आपको चैलेंज करनी है, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो जैसे मेरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 89, तो मैं यहाँ पर 89 पे करता हूँ। अगर आप देखें तो ये 100 तक दिया गया है, ये देखिए 89। तो आयोग की तरफ से जो आंसर की आई है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेट भी लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज दिया गया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको बी, ठीक है। और इसके साथ अब देखिए ये यहाँ पर आपको करना है जो 89 दिया गया है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्शन जो करनी है वो 89 क्वेश्चन पर करना है। तो 89 पे अगर आप देखें ये है, तो हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको, इस जगह पे आएगा आयोग की तरफ से। तो आयोग की तरफ से यहाँ पे बी है, लेकिन हमारे तरफ से हम लिख देंगे कि ऑल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑल आंसर आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भेज सकते हैं। इसके साथ से हम यहाँ पे
जैसे आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके और डायरेक्ट इसको क्या करना है, इसकी फ़ोटो खींच करके या आप इसको डायरेक्ट यहाँ से मेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे पास दो प्रूफ है इसको भी आप मेल कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि किसी अन्य जो अगर आपके पास इंग्लिश की है, चाहे मैथ की है, चाहे ज्योग्राफी है, किसी भी चीज़ की है, तो आप यहाँ पर आयोग में लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर गलत है, तो आयोग का आंसर कि आयोग ने क्या दिया, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे आयोग का आंसर यहाँ पे बी है, लेकिन आपको लगता है कि आपका आंसर यहाँ पे ए होना चाहिए, तो यहाँ पे ए टाइप करके और यहाँ से इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं यहाँ पे यूके PSC आंसर की @gmail.com पर यहाँ पे आप भेज सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, PDF के फॉर्म में आपको यहाँ पर PDF या इमेज के फॉर्म में यहाँ पर आपको एक प्रूफ भी भेजना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको भेज दें, इसके लिए कोई यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह नहीं है। इसको आप तुरंत 2 मिनट में भेज सकते हैं। तो इससे आपके जो क्वेश्चन है इसमें नंबर बढ़ सकते हैं। और जैसे यहाँ पे हिंदी का दिया गया था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ऑब्जेक्शन फॉर्म लगा सकते हैं, फॉर्मेट लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इसके लिए कोई यहाँ पर चार्ज वगैरह नहीं है, तो आप लगाएं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।